बीपीएससी प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक परीक्षा के पाठ्यक्रम आधारित प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कंप्लीट पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स के लिए कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर और पाएं सिलेबस बेस्ड कंप्लीट नोट्स के साथ साथ सफिशियंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्शन। साथ में आपको मिलेगा लाइव क्लासेज और प्रैक्टिस सेट। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए अभी संपर्क करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। आइए अब शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। आज की इस वीडियो में हम प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन भाग से भारतीय भूगोल के दूसरे मॉडल क्वेश्चन कलेक्शन को देखेंगे। नंबर सवाल क्या कह रहा है? प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी जम्बू द्वीप। आगे देखते हैं दो नंबर। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी ग्रीक। आगे देखते हैं तीन नंबर। भारत की प्रमुख भूमि की दक्षिणी सीमा है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी 84 उत्तरी अक्षांश। आगे देखते हैं चार नंबर सवाल। चार नंबर क्या कह रहा है? भारतीय मानक समय आधारित है? इसका सही जवाब हो गया चार नंबर ऑप्शन सी 82:30 पूर्व देशांतर पर। आगे देखते हैं पाँच नंबर। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी इलाहाबाद के समीप। आगे देखते हैं छः नंबर सवाल। छः नंबर क्या कह रहा है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी 5:30। आगे देखते हैं सात नंबर सवाल। सात नंबर क्या कह रहा है? भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा की कितनी दूरी है? इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी 876 किलोमीटर। आगे देखते हैं आठ नंबर सवाल क्या कह रहा है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी 15,200 किलोमीटर। नौ नंबर क्या कह रहा है? द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी 7,516 किलोमीटर। आगे देखते हैं दस नंबर सवाल क्या कह रहा है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी 3,214 किलोमीटर। आगे देखते हैं ग्यारह नंबर सवाल। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए 2,933 किलोमीटर। आगे देखते हैं बारह नंबर क्या कह रहा है? भारत की तट रेखा की लंबाई है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर। आगे देखते हैं तेरह नंबर सवाल क्या कह रहा है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी 2.4%। आगे देखते हैं चौदह नंबर क्या कह रहा है? भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए 10.7%। आगे देखते हैं पंद्रह नंबर क्या कह रहा है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी 29.3%। आगे देखते हैं सोलह नंबर क्या कह रहा है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग का पर पठार का विस्तार पाया जाता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी 27.7%। आगे देखते हैं सत्रह नंबर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी 43%। आगे देखते हैं अठारह नंबर। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील तक की दूरी है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए 12 मील। आगे देखते हैं 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है?
भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी 24 मील। आगे देखते हैं 20 नंबर क्या कह रहा है। भारत एक एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी 200 किलो मील। 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी 9। आगे देखते हैं 22 नंबर क्या कह रहा है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी गुजरात। आगे देखते हैं 23 नंबर। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? क्या कह रहा है, नहीं गुजरती है। जिस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है उस राज्य का इसमें नाम चुनना है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आगे देखते हैं 24 में क्या कह रहा है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए कर्क रेखा। आगे देखते हैं 25 नंबर क्या कह रहा है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी 8 राज्य से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं 26 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसमें से चुनना है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। आगे देखते हैं 27 नंबर क्या कह रहा है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी गुजरात, ये झारखंड। आगे देखते हैं 28 नंबर क्या कह रहा है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। आगे देखते हैं 29 नंबर क्या कह रहा है। भारत के दक्षिण में सबसे दुरुस्त स्थल कौन है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। आगे देखते हैं 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है मुझे चुनना है। इसका सही जवाब हो गया इनमें से सभी, ये तीनों नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं 31 नंबर क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। आगे देखते हैं 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी इंदिरा कॉल। आगे देखते हैं 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे देखते हैं 34 नंबर क्या कह रहा है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी पंबन चैनल। आगे देखते हैं 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका। आगे देखते हैं 36 नंबर क्या कह रहा है। निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? पृथक मतलब अलग किया जाता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार। आगे देखते हैं 37 नंबर सवाल। 37 नंबर क्या कह रहा है। डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास, इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान में। आगे देखते हैं 38 नंबर सवाल। 38 नंबर क्या कह रहा है। दीव एक द्वीप है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी गुजरात के तट पर। आगे देखते हैं 39 नंबर सवाल। 39 नंबर क्या कह रहा है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है कौन? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी पाक जल संधि। आज का अंतिम सवाल 40 नंबर क्या कह रहा है।
भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, मैकमोहन रेखा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बीपीएससी प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के संपूर्ण अध्ययन सामग्री के लिए आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर और प्राप्त करें पाठ्यक्रम आधारित कंप्लीट नोट्स, मॉक टेस्ट और हमारे प्राइवेट वीडियोज। आप हमारे नोट्स को पीडीएफ के अतिरिक्त प्रिंटेड भी मंगवा सकते हैं। पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर भेज दिए जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।